जम्मू कश्मीर के शोपिया के राखामा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। त्रिपुरा में अगरतला के एक स्कूल में मॉक ड्रिल कर छात्रों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। ये छात्र आपातकाल के वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला कारगर मुरादाबाद में महिला कैदियों द्वारा गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जिला कारगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जहां कैदियों द्वारा गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। नोएडा के सेक्टर 39 थाने पर ऑटो चालक ने लूट का मामला दर्ज करवाया था। सूचना थी कि आरोपी इसी क्षेत्र में ऐसी ही घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्यवाही में 2 आरोपी घायल हुए, जबकि 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान हर रोज भेड़ की खाल में भेड़िया वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगा हुआ है। काबुल में शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं को तालिबानी लड़ाकू ने गोलियां चलाकर तितर बितर कर दिया। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवा संचालित करने के लिए DGCA की अनुमति मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से संतुलन बनाए रखने के लिए 4 देशों का सुरक्षा समूह क्वाड जरूरी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में SDM यमुना धर चौहान ने बताया कि गलघोंटू के वैक्सीनेशन के बाद कुछ जानवरों की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 15,20,899 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 57,04,70,338 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। नव नियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता वायुसेना का सही इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी।